हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सैनी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई, आपका यूपीएससी सीएपीएफ 2024 का एग्ज़ाम आज दिनांक 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट हो चुका है, राइट? तो पेपर फर्स्ट आपका कैसा रहा? आप पे कितने मार्क्स बन रहे हैं पेपर फर्स्ट के अंदर? आपने टोटल कुल कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए हैं? आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर इनको जरूर लिखना है, इन सभी का आंसर है, राइट? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहता है कि सर पेपर फर्स्ट के अंदर हमारे कितने मार्क्स बने ताकि हम लोग सेफ रहें, ताकि हमारा पेपर सेकेंड है वो भी चेक हो पाए, राइट? तो पेपर फर्स्ट के अंदर हमारे कितने मिनिमम मार्क्स बनने चाहिए ताकि हमें किसी बात का डर ना हो, राइट? तो एक्सपेक्टेड आपका जो पेपर फर्स्ट है इसका कट ऑफ वगैरह कितना रह सकता है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर फर्स्ट के लिए कितना रह सकता है इस बार 2024 के अंदर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिन अभ्यर्थियों के पेपर फर्स्ट के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप लोगों ने उन मार्क्स को पार कर लिया है तभी आपका जो पेपर सेकेंड है, तभी आपका पेपर सेकेंड है वो चेक होने वाला है। ये आपका जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप पेपर फर्स्ट के अंदर क्वालिफाइंग होते हैं तभी आपका पेपर सेकेंड है वो इसको जांच की जाएगी, राइट? अदरवाइज आपका जो पेपर सेकेंड है वो उसको जांच नहीं किया जाने वाला है, राइट? यानी कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको आपको पार करना ही पड़ेगा। तो दोनों का आपका अलग अलग कट ऑफ वगैरह वो जारी किया जाता है, राइट? तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानते हैं कि 2023 के अंदर जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, राइट? कट ऑफ फॉर पेपर फर्स्ट है। तो चूँकि आप सभी लोग पेपर फर्स्ट दे चुके हैं तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना रह सकता है, आप सभी लोग कॉमेंट करके बताइएगा, राइट? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2023 का जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है किसका, पेपर फर्स्ट का कितना रहा था। आप सभी लोग जानते हैं पेपर फर्स्ट आपका टोटल 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का। तो 250 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप सभी को फटाफट से कमेंट करके बताना है, राइट? तो 2023 के अंदर जो आपका पेपर फर्स्ट है इसका कट ऑफ रहा था जनरल कैटेगरी के लिए 118.35, इसके बाद में ओबीसी तो इनका भी 118.35 है, इसके बाद में है ईडब्ल्यूएस इनका 109.28, इसके बाद में एससी कैटेगरी 109.28, इसके बाद में एसटी 103.83 और इसके बाद में है एक्स सर्विसमैन तो इनका 26.64 है। तो ये आपके सामने मिनिमम मार्क्स पेपर फर्स्ट और क्वालिफाइंग करने के लिए 2023 का डाटा आपके सामने है, राइट? जनरल कैटेगरी 118.35, इसके बाद में ओबीसी 118.35, ईडब्ल्यूएस 109.28, एससी 109.28, एसटी 103.83, इसके बाद में एक्स सर्विसमैन 26.64 आपके सामने है। ये आपका कि पेपर फर्स्ट के अंदर आपका कट ऑफ वगैरह इतना रहा था 2023 के अंदर। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर हमारा इस बार हम लोगों ने पेपर फर्स्ट वो दे दिया गया है, हम लोगों ने अपना पेपर फर्स्ट वो दिया है, तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अब कितना रह सकता है पेपर फर्स्ट के लिए, आप लोग ये बताइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग है, राइट? बाकी आपका जो भी क्वेश्चन, आपका जो भी डाउट है, आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से उसे रख सकते हैं, राइट? एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स
फोर पेपर फर्स्ट। तो ये हम लोग पेपर फर्स्ट के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी आपका पेपर सेकंड है वो अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, राइट, जो कि आपका दोपहर बाद में कंडक्ट होगा, तो उसका कट ऑफ वगैरह हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। तो एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर फर्स्ट कितना आपका रह सकता है, क्योंकि इस बार आपका पेपर का जो लेवल है वो ना तो इतना ईजी है और ना इतना टफ है, कुल मिलाकर के थोड़ा 20 का लेवल का ही है, राइट, यानी कि मीडियम लेवल है। तो इस बार आपका जो जनरल कैटेगरी है इनका एक्सपेक्टेड 123 से लेकर के 126 के आसपास, इसके बाद में है ओबीसी, तो इनका भी 123 से लेकर के 126 के आसपास, ये आउट ऑफ 250, राइट। पेपर फर्स्ट आपका टोटल 250 मार्क्स का है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं, राइट। इसके बाद में एससी 113 से लेकर के 118, इसके बाद में एसटी 106 से लेकर के 110 तक, और इसके बाद में है एक्स सर्विसमैन 28 से लेकर के 30 तक, ये है पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट के लिए जनरल कैटेगरी, अगर आपके पेपर फर्स्ट के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं 123 से लेकर के 126 के बीच में, तो कहीं ना कहीं आप लोग वो सेफ हैं 123 से लेकर के 126 तक। इसके बाद में ये आपका एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा 123 से लेकर के 126 किसके लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 113 से लेकर के 118 तक, एसटी 106110, एक्स सर्विसमैन 28 से लेकर के 30 तक, यानी 28 से लेकर के 30 तक, ये आपका एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग है। बाकी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कितना रह सकता है, साथ में आपका जो रिज़ल्ट वगैरह कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट फॉर 2024, तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने आपका इन दोनों का अलग से सेपरेट अलग अलग वीडियोज है वो बना दिया गया है। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, सभी के सभी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट के अंदर है वो मिलने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो यहाँ पर इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी सबसे पहले अप टू डेट मिलती रहे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।